हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज किस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ चूहों को क्यों नहीं मारना चाहिए, चूहों को मारने से क्या दिक्कतें क्या परेशानियां आती है, तो हम जानेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए बिना कुछ देर किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास होने वाली हर घटना कुछ ना कुछ इशारा करती है, बस हम ध्यान नहीं देते। जैसे कि कई बार घर में अचानक से ढेर सारे चूहे दिखाई देने लगते हैं, कितनी बार तो साफ सफाई के दौरान मरे हुए चूहे भी मिलते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। अगर घर में चूहों की तादाद बढ़ने को कई लोग अच्छा मानते हैं, तो वही कई लोग बुरे संकेत के तौर पर भी देखते हैं। तो चलिए अब बताते हैं वह क्या संकेत है। मान्यता के अनुसार जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, वहां किसी परेशानी के अचानक होने का अंदेशा रहता है। वही यही भी माना जाता है कि ये हमारे घर की शांति समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। और यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में दिन और रात भर घूमते रहते हैं, तो समझ ले कि किसी रोग शत्रु का आक्रमण होने वाला है। जिस तरह चूहों को अशुभता का कारक माना जाता है, उसी तरह छछुंदरों के घर में आने को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं जिस घर में छछुंदर घूमती है वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है, लेकिन चूहा तो गणपति बप्पा का वाहन है, तो उसे मारना गलत होगा। चूहे को मारने से घर परिवार पर नकारात्मक भी हावी हो जाती है। चूहे घर के कोनों में बिल बनाकर रहते हैं, वहाँ पर अंधेरे का अस्तित्व कायम होता है, जिससे उनमें भी नेगेटिव शक्तियाँ का प्रभाव रहता है। जिस घर में चूहे आने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ बुरी चीज होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। अब ना तो हम चूहे को मार सकते हैं, ना वो भागने वाले, वो तो घर में आते ही है। तो इससे बचने के उपाय है दोस्तों, इस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बप्पा को मोदक का भोग लगाए तो वही घर में 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा रखने से नकारात्मकता हावी नहीं होती। एक महीने के बाद पुराने टुकड़े को किसी नदी में बहा दे और उसके स्थान पर नया टुकड़ा रखते उपाय वास्तु दोष का समन होता है, मतलब वास्तु दोष खत्म हो जाती है। चूहे को भगाने के उपाय, इसी तरह ऊंट के दाएं पैर का नाखून घर में रखने से चूहे सदा के लिए घर से बाहर भाग जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गणेश जी का चित्रपट अथवा स्वरूप घर में स्थापित करने से पहले ध्यान रखें और उसमें मोदक और मूसक अवश्य होनी चाहिए। इन दो चीज़ों के अभाव में गणेश प्रतिमा अप्रभावी होती है। अगर आप इन छोटे छोटे संकेतों को ध्यान में रखते हैं तो यकीनन आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आई होप गाइज आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण दी होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल पर नए आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ और आपके लिए अच्छी अच्छी नई